वेलकम बैक टू फैक्ट अनप्लग्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जो गुजरात के लोगों के लिए नाइटमेयर बन चुका है। गुजरात फ्लड के बाद आपको हर तरफ एक ही चीज देखने को मिल रही है, वो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। जी हाँ, घरों की छतों पर, सड़कों पर, पार्कों में और अब तो घरों के अंदर भी। गुजरात के वडोदरा शहर में आजकल बस यही हलचल है। मगरमच्छ घरों तक कैसे पहुँचे, कैसे ये विश्वामित्र रिवर से निकलकर शहर में पहुँचे और लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। बीबीसी और इंडिया टीवी की रिपोर्ट्स में जो तस्वीरें दिखाई हैं वो आपको हैरान कर देंगे। एक घर की छत पर आराम करता हुआ 10 फीट का लंबा मगरमच्छ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन 10 से ज्यादा मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं। मगरमच्छ के टेरर के पीछे एक और बड़ा रीजन है, एक रेयर मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनन। ये गुजरात की मिट्टी पर जन्म लेने वाला एक ऐसा डीप डिप्रेशन है जिसे अब तक समुन्द्र में जन्म लेने वाला समझा जाता था। IMD के मुताबिक ये डीप डिप्रेशन अरेबिक सी की तरफ बढ़ रहा है और एक साइक्लोन का रूप लेने वाला है जिसका नाम होगा आसना। ये इतना रेयर है कि 1964 के बाद सिर्फ चौथी बार ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अनयूजुअल वेदर पैटर्न गुजरात में क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे की साइंस क्या है। ये टाइफून गुजरात की धरती से शुरू होकर अरेबियन सी की तरफ क्यों जा रहा है। गुजरात फ्लड के बाद विश्वामित्र रिवर के अंदर से डेंजरस क्रोकोडाइल थे वो शहर में घुस चुके हैं। ये मगरमच्छ सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं और जब मौका मिले तब ये अपने शिकार पर वार कर सकते हैं। वडोदरा और आसपास के शहरों में मगरमच्छों का मिलना एक खतरनाक सिग्नल है। रेस्क्यू टीम और अथॉरिटीज 24/7 अलर्ट हैं क्योंकि हर दिन कई रिपोर्ट्स मिल रहे हैं घरों के बाहर, सड़कों पर, पार्कों में मगरमच्छ दिखने। वडोदरा और गुजरात के लोगों के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने आप को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना। अथॉरिटीज अपना काम कर रही हैं लेकिन हमें भी अपने लेवल पर जागरूक रहना होगा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। गुजरात की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लड से जुड़े और भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए फैक्ट्स अनप्लग्ड के साथ। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।